अंडमान आके एक चीज़ जो मुझे लगी वो ये थी कि जैसे मन ही नहीं करता एकदम कोई भी चीज़ का, होता ना एकदम आप शांत हो, आपका मन है बस आप बैठे रहो, इस बीच को देखते रहो, इस समुंदर के नीले पानी को देखते रहो, एक तरफ रोड एक तरफ समुंदर। जब हम सेल्वर जिले में निकल रहे थे कॉबलिंस कॉप बीच से, तो मानो एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि एकदम समय रुक गया है, और कितना सुंदर वो नज़ारा लग रहा था ये देख के। मैं आपको मतलब ये बयान नहीं कर सकता, जब आप खुद ये चीज़ देखेंगे तो आपको लगेगा। तो वही चीज़ मुझे हमें महसूस हो रही थी, और हम जा रहे थे हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो थी सेल्वर जेल, जिसका इतिहास अपने आप में एक मतलब देखने लायक सुनने लायक है। तो और जब हम चल रहे थे ना, तो रास्ते में हमें एक छोटा सा बाज़ार मिले, और अंडमान में मतलब कि पोर्ट ब्लेयर में जहाँ हम थे वहाँ ऐसे ही छोटे छोटे बाज़ार आपको मिलेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी हुई थी कि ट्रैफिक जो था वो अंडमान की तरह एकदम शांत है, हॉर्न बहुत कम बजता है यहाँ पे, और ट्रैफिक रूल्स बहुत फॉलो करते हैं लोग यहाँ पे, जबकि छोटी सी जगह है। तो चलिए चलते हैं सेल्वर जेल की तरफ। हम अभी सेल्वर जेल पहुंच गए हैं। 30 रुपये पर पर्सन इसका एंट्री टिकट है, तो एंट्री टिकट तो हमने पहले ही ले लिए थे, बुक कर लिए थे इसके। फटाफट से अब अंदर चलते हैं। मेन फ्रंट पोर्शन है तभी का बना हुआ है, मेडिकल फर्स्ट फ्लोर ऑफिस रूम एंड ग्राउंड फ्लोर स्टोर रूम की तरह यूज किया जाता है। तो ये गैलरी देखने के बाद जैसे आप जेल के अंदर एंटर करोगे, जैसे ही जेल में एंटर करोगे, जेल का जो फर्स्ट पॉइंट पहला पॉइंट हैंगिंग प्लेस पानी, उसके बाद कंटेनर सेल, वीर समर्थक जी का सेल, जेल एंड वर्कशेड। इस वर्कशेड में आप लोगों को ये दिखाया गया ब्रिटिश टाइम में उन फ्रीडम फाइटर्स को कैसे पनिश करते थे, क्या काम करवाया जाता था, कुछ मॉडल कुछ स्टैचूज आपको इस वर्कशेड में दिखाया। सेल्वर जेल है, यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होगा, और अभी ये सेल्वर जेल का एरिया है, और ये यहाँ पे शायद फांसी घर है ऊपर, इन्होंने एरो तो दे रखा है, घर का एरो दे रखा है इन्होंने, तो एक बार ये देखे आते हैं। हिस्ट्री बहुत बड़ी है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा, एक बार में तो आप घूम ही नहीं सकते, और यहाँ पे अगर आपके पास गाइड हो तो बेहतर होगा। हम तो पूरा नहीं घूम पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे जब तक घूम सके उतना आपको बता दें। बाकी हिस्ट्री इसकी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, देखिए वहाँ पर कुछ शायद, और ऊपर शायद वो वॉच टावर भी, ऊपर वाली वो शायद वॉच टावर है ऊपर, ये नीचे खुल जाता है, ये फांसी घर है, ये देख लो, ये नीचे का खुल जाता था, यहाँ से वो लेटर खींचते थे, और ये 3 जने एक साथ यहाँ पे फांसी दे सकते थे। हाँ बहुत मुश्किल है, ये इतनी छोटी सी जेल होती थी, इसमें देखिए ये खाली इतना सा 2 किलो होता था, आदमी का सर इतना सा ही एरिया होता था, फिर ना आप अंदर आ जाइए, थोड़ा सा मैंने खाने लगे, सिर्फ एक वो छोटी सी बहुत ही चीज़ जाली, बाकी उस जमाने में कैसे रहते होंगे यहाँ पे, कुछ भी सिस्टम ही नहीं है, वॉशरूम ही नहीं है, अपन लोग तो बिना वॉशरूम नहीं आ रहा, इसलिए इसको बोलते थे काला पानी, सिर्फ इसकी सिस्टम हुआ करती थी, ये बंद करते थे यहाँ देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये जेल बहुत बड़ी है, तो एक बार में तो कम्प्लीट करना मुश्किल है, फिर भी क्या क्या चीज़ आपको दिखा सकते हैं। उस समय सेल्डर जेल को काला पानी की सजा भी कहते थे। माना जाता है कि यहाँ पे उन कैदियों को रखा जाता था जो अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे थे, या मान लीजिए कि वो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, जो आज़ादी दिलाना चाहते थे, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको यहाँ पे रखा जाता था, और इतनी यातनाएँ दी जाती थी उन्हें, बहुत दिनों तक अकेले रखा जाता था, काल कोठरी में डाल दिया जाता था, खाना नहीं दिया जाता था, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनके साथ करी जाती थी। हमारे फ्रीडम फाइटर जैसे वीर सावरकर जी, महावीर सिंह, ऐसे कई जने थे, 2000 से भी ज़्यादा जनों को यहाँ लाया गया था। और यहाँ पे जब आप आएंगे ना, तो आप ही खुद चीज़ें महसूस करेंगे कि कैसे वो लोग यहाँ पे रहते थे, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके अंदर एक देशभक्ति या देश के लिए कह सकते हैं एक रिस्पेक्ट आपकी बढ़ जाएगी। सेल्वर जेल को बनाने में जो खर्चा आया था करीब करीब 5 लाख रुपए आया था उस जमाने में,
और ये वही सेल है जब वीर सावरकर जी को रखा गया था। देखिए वो ये सेल है, उनकी फ़ोटो है ये, यहीं पे उनको रखा गया था और आज भी उनके यहाँ पे चीज़ें रखी हुई है। यहाँ पे पूरा मैं रखा कि जन्म हुआ था उनका 28 मई 1883 को, दया तिथि 26 फरवरी 1966 को, और वो जब रहे थे यहाँ पे 10 साल, नहीं 9 साल, 9 साल वो यहाँ रहे थे और उसी जेल में उनको। कितना एक्साइटिंग है मतलब सुन के, कितना अच्छा वो मतलब। लास्ट वाली जो सेल है वो बहुत बढ़िया है, वीर सावरकर वाली सेल देख के आए हम, और जो हिस्ट्री के हिसाब से जो बताया गया है कि कैदियों को 5 बजे रख दिया जाता था और सुबह 6 बजे के बाद उनको निकालते थे, मतलब कि 5 बजे बैरक में डालते थे। कितनी ज़्यादा यातनाएं उन्होंने झेली है। नेचर्स कॉल जब उनको आती थी तो भी उसके लिए उनका फिक्स टाइम होता था और उसके लिए भी उनको छोटा सा एक बर्तन दिया जाता था। तो बड़ा टिपिकल, अगर आप हिस्ट्री इनकी जानेंगे और यहाँ पर आके देखेंगे तो वैसे ही आपको लगेगा कि कितना ख़तरनाक समय था वो। हम ये वॉच टावर का नीचा लेवल है, ये वॉच टावर का नीचा लेवल है। पोर्ट ब्लेयर की जो सुंदरता दिख रही है यहाँ से पूरी, वाह। बहुत बढ़िया। ये है रेप्लिका, ये स्टार फिश की शेप में है सिल्वर जेली। 1 2 3 4 5 6 7 विंग्स हैं इसके। ये रेप्लिका एक्चुअली में बहुत बड़ी थी, एक टाइम में कितने कैदी रहते होंगे पता नहीं। चल ओल्डन डेज, तो ये तो देखना चल रही है भाई, ये तो अपन देखेंगे ही देखेंगे। चलो इसके अंदर जाते हैं एक बार। अगली जो सेल थी इसमें बेसिकली अंडमान के पुराने इतिहास के बारे में बताया गया है कि कैसे यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने कैसे रोस आइलैंड में अपनी जो है ऑफिसर कॉलोनी डेवलप करी थी, कैसे उनकी फैमिली रहती थी, धीरे धीरे उन्होंने अंडमान में अपना बेस जमाना चालू किया, और कैसे वहाँ पे जहाज़ों के लंगर डाले जाते थे, कैसे यहाँ पे कैदियों को लाया गया, कैसे यहाँ पे गांव फंसाए गए। इस बारे में पूरा इतिहास अगर आपको जानना है तो यहाँ पे आपको ज़रूर आना चाहिए। कैसे रोज़दीप बसाया गया था, कैसे यहाँ पे लोग लाए गए थे, कैसे शिप से ट्रांसपोर्टेशन होता था, कैसे ब्रिटिश हुकूमत यहाँ से ऑपरेट करती थी। अगला जो कमरा था इसमें ये दिखाया गया था, ये बताया गया है कि कैसे कैदियों को सज़ा के तौर पर यातनाएं दी जाती थी, उनसे वो कौन कौन से काम कराए जाते थे या उन्हें सज़ा दिलाई जाती। तो अभी हम होटल में आ गए थे और जो शो था ना, एक सेकंड में गेट बंद कर देता हूँ, ये गेट अटक गया था। हाँ, तो जो मैं बात कर रहा था लाइट एंड साउंड शो था, स्पेक्टेकुलर है भाई वो, आप शो मिस मत करिएगा, बहुत अच्छा है। हालांकि वो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो और फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड होती है उस टाइम, लेकिन लाजवाब शो था। देखिए इसमें आपको पता लगता है सेक्रीफाइसेस क्या क्या किए थे उन लोगों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने, कैसे वो रहे थे, किस सिचुएशन में रहे थे। जब आप ये दोनों चीज़ें देखकर आएंगे ना, शो और साथ में सिल्वर जेल, तो आपको अपने आप पता लगेगा। मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि सिल्वर जेल का जो टिकट है वो है 30 रुपीज़ पर पर्सन इंडियंस के लिए, फॉरनर्स के लिए 100 रुपये है। तो 4 बजे सिल्वर जेल बन जाता, तो उससे पहले पहले आप जाके देख के आ जाइएगा, ज़्यादा बेटर है। सिल्वर जेल देखने के बाद आपको वापस बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि जो लाइट एंड साउंड शो होता है उसकी ऑनलाइन बुकिंग ही होती है, तो आप ऑनलाइन निकाल लीजिए, नहीं तो फिर आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि उसकी फिर मिलती नहीं है टिकट्स। तो वो आप जब बाहर आएंगे फिर आपको वापस एंट्री लेनी पड़ेगी। सिल्वर शो के जो टाइमिंग्स होते हैं वो होते हैं 5:30 से लेके, पहला शो जो होता है वो 5:30 बजे होता है, 5:50 पे चालू होता है, 5:15 बजे से उसकी एंट्री चालू हो जाती है। तो ये सब चीज़ें थी। बाकी अंडमान बहुत सुंदर है, पहला दिन हमारा
अभी हम जाएंगे, चेंज वेंज करेंगे, डिनर विनर करेंगे, 7:15 हो रही है और यहाँ पे तो 5:30 बजे अंधेरा हो गया था। 5:30 बजे पूरा अच्छा खासा अंधेरा यहाँ पे हो चुका था। बाकी हम अभी जाएंगे नीचे डिनर करने, तो आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। आज का दिन हमारा जो घूमने का था पोर्ट ब्लेयर वो ख़त्म हो गया। कल हम निकल रहे हैं हैवलॉक के लिए, सुबह करीबन 11 बजे हम चेकआउट करेंगे यहाँ से और फिर हम हैवलॉक जाएंगे। तो थोड़ी देर में ये हमारे पास जो आज मेन्यू है ना, एक तो ये है सैलेड, दाल, पनीर और गोभी की सब्जी, फ्राइड गोभी, और ये कुछ मीठे में क्या बोला था मैंने, पायसम। पायसम है तो खाना अच्छा है अंडमान में, हमने सुबह भी अच्छा लंच करा था, खाना खाते हैं हम आपसे बात करते हैं। तो हम अभी खाना खा के आ गए हैं और अब सोएंगे। तो कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे हैवलॉक के लिए और हमारी सुबह के करीब 12:30 बजे की फेरी है यहाँ से। जो टिकट है वो सब मैं आपको कल बताऊँगा कितने प्राइस का है, कितने घंटे की फेरी है। आज पोर्ट ब्लेयर का पूरा ट्रिप हम ख़त्म करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं, आपसे मिलेंगे कल। बाय बाय। जब अगर वीडियो पसंद आ रहा हो और अगर सीरीज़ पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।